हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज हम बिना बुकरम बिना अस्तर ये ड्रेस बनाएंगे समर। बहुत ही प्यारा सा, कम खर्च में आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरह से हमें पहनाना है। इसको पहनाना भी बहुत ही इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है गाइस। गाइज, मैंने और भी बहुत सारे अलग अलग तरीकों से लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के, ज्वेलरी के, कुकिंग के, हैंडवर्क के वीडियोस बनाए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरी चैनल का नाम स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है और इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप वहीं से भी देख सकते हैं। तो कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने मित्रों में शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही स्ट्रिप से पूरा ड्रेस बनाऊंगी। तो इसकी लंबाई है 15 इंच और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है। बस यहाँ पे बुकरम या अस्तर कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, और यहाँ पे मैं रिबिन का यूज़ करूँगी, ये बाजार में आसानी से मिल जाती है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पे टिच कर लेंगे एक साइड पर। बहुत ही आसान तरीका है गाइस। तो ये हमारी टिच हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस रिबिन का यूज़ करेंगे। तो इसको हम इस तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे प्लेट्स लेंगे, और प्लेट्स हम नज़दीक नज़दीक रखेंगे। इस तरह से नज़दीक नज़दीक हमें प्लेट्स लेने हैं, और बहुत सारे प्लेट्स हम बना लेंगे। तो चलिए पहले बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत सारी प्लेट्स बना ली है, कुछ इस तरह से हमें बनाना है। अब जहाँ पे हमने स्टिच किया है वहीं पे इसको अटैच नहीं करना है, इनके सामने हमें इस तरह से रख कर पूरे स्ट्रिप में ये प्लेट्स को स्टिच करके अटैच कर देना है। तो देखिए, ये हमारी टिच हो गई है। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और इनके ऊपर हम प्रेस टिच लगा देंगे। तो ये हमारी प्रेस टिच हो गई है। अब एक्स्ट्रा धागा, अब हम इस तरह से दोनों किनारों को मिलाएंगे और 5 इंच तक हम मार्क करेंगे, और यहीं से हम टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो नीचे तक हम टिच करेंगे। तो ये हमारी टिच हो गई, एक्स्ट्रा काट लेंगे और इसको पलट लेंगे। तो ये हमारा प्यारा सा ड्रेस बनके रेडी है। अब कमर में हम रिबिन को अटैच करेंगे। तो इसकी लंबाई है 13 इंच। इस तरह से सेंटर निकालेंगे और बीच में पहले हम टिच कर लेंगे, ताकि हमारी रिबिन इधर उधर खिसके नहीं और टेढ़ी भी ना हो। और अच्छी तरह से मोड़ कर हमें पूरी रिबिन में इस तरह से टिच कर लेना है। तो चलिए पहले टिच कर लेते हैं। ये हमारी टिच हो गई है और प्यारा सा ड्रेस बनके रेडी है। है ना इजी तरीका? अब हम बनाएंगे कैप। तो इसकी लंबाई है 5.5 इंचिस और चौड़ाई इसकी 2 इंचिस है। रिबिन का प्लेट्स तो हमने पहले से ही कर दिया है, तो इनके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे टिच कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से हमारी कैप बनके रेडी हो जाएगी। मात्र हमें 2 ही सिलाई करनी है, बस दोनों किनारों को मिलाना है और यहाँ पे टिच कर लेना है। तो देखिए, ये हमारी टिच हो गई है। अब हम ऊपर की तरफ क्या करेंगे, सुई और धागे की मदद से टाके ले लेंगे, यानी कि पूरे राउंड में इस तरह से टिच कर लेंगे। तो चलिए पहले टिच कर लेते हैं।
और अच्छी तरह से धागे को खींच कर यहाँ पे अच्छी तरह से नॉट्स लगा देना है ताकि धागा और कपड़ा छूटे नहीं। तो ये हमारी प्यारी सी कैप भी बनके रेडी है। अब हम इसको पलट लेंगे यानी कि सीधा कर लेंगे। तो ये गाइस हमारी कैप बनके रेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। राधे राधे।